अयोध्या में सुबह सुबह एनकाउंटर ट्रेन में महिला कांस्टेबल पर हमला करने वाला 1 लाख का इनामी आरोपी अनीस पुलिस मुठभेड़ में ढेर। अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी को पुलिस और विशेष कार्य बल की टीम ने शुक्रवार सुबह मुठभेड़ में मार गिराया। पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत नैना करही गांव में 2 सगी बहनें तालाब में डूबी। साते संतान की पूजा पाठ सामग्री विसर्जन करने के दौरान डूबी। करीब 8 बजे की है घटना। जानकारी मिलते ही अमर पाटन पुलिस बल और SDRF टीम को मौके पर पहुंच गई। इसके साथ ही रामपुर विधायक विक्रम सिंह पहुंचे मौके पर और SDRF टीम के करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों बच्चियों का शव बरामद किया गया। ग्वालियर पुलिस का महिला जागरूकता अभियान। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर राजेश सिंह चंदेल के निर्देश में ग्वालियर जिले के विभिन्न स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों व सार्वजनिक स्थानों पर महिला जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत DSP महिला सुरक्षा ग्वालियर किरण अहिरवार के नेतृत्व में थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत पंत नगर स्थित संस्कार पब्लिक स्कूल में बच्चों को महिला संबंधी तथा साइबर अपराधों एवं गुड टच बैड टच के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया। अब भवानी बस ट्रेवल्स द्वारा बिना टोल दिए टोल तोड़कर चला जाता था ड्राइवर। कई दिनों से चल रहा था इसी तरह का खेल। आज जब बस टोल प्लाजा में रोकी तो रीवा से कई गुंडे पहुंचे थे। विवाद करने पर जमकर हुई गाली गलौज। इसके बाद दोनों पक्ष के बीच हुआ विवाद। पूरी घटना वीडियो में हुई कैद। देखा है पार्टी छोड़ने का ऐसा अंदाज है। ये BJP की पूर्व विधायक ममता मीणा है। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इन्होंने भोपाल पार्टी दफ्तर में आकर इस्तीफा दिया और मत्था टेक चल दी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बुधवार को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर विद्यालय वेंकट क्रमांक 1 के स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, CEO जिला पंचायत परीक्षित जाड़े, अपर कलेक्टर ऋषि पवार, नगर निगम आयुक्त अभिषेक गहलोत, SDM SK गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सांसदों ने पुराने संसद भवन से निकलकर नए संसद भवन में किया प्रवेश। इसके साथ ही नई संसद में लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत हुई और PM मोदी ने सदन को संबोधित किया। पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देश पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में डिप्टी कलेक्टर गोविंद सोनी ने जिले के विभिन्न अंचलों से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।